अरे अरे रे दो अरे आगे कंगना जी वेट थोड़ा सा अपन ये आगे मत जाओ रे पीछे से प्लीज हेलो मैम सारा मचा रहा है लालू क्या मैम कंगना जी सोलो ज़रा लाइट कट हो रही है प्लीज़ सॉरी ज़रा प्लीज़ कंगना जी क्या बात है ना जी सेंटर डाउन कंगना मैम रुके कंगना जी So pictures will take very soon, and Kangana Ranaut for us. रज़ाकार अखंड भारत के उन वहशी दरिंदों का गिरोह है जिसने भारत के मध्य में स्थित हैदराबाद शहर को धार्मिक घृणा से लहूलुहान कर दिया है। तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के कुछ हिस्सों को तत्कालीन हैदराबाद राज्य में मिला दिया लग गया और उसी दौरान हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने और उस राज्य को पूर्ण इस्लामिक राज्य में परिवर्तित करने की साजिश रची गई। इसका विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ नरसंहार करके निजाम के निजी सेना रजाकारों ने एक वहशी खेल खेला। So can we have the directors, Mr. Yata, Mr. Makarand, and the whole crew of Razakar. Can we have a big round of applause for the whole team, Makarand ji, Raj Arjun ji, stage. And can we please pause the AB so that the Razakar trailer launch poster is there. Can I please invite the producer, the director, so that they all listen to what ma'am is saying. The DOP and the music director, Bika Sicily. The beautiful artists, Makarand Deshpande ji, Raj Arjun ji, Kareem, who is there as Kareem Rizvi. Makarand ji, who's there as Mersmalan Ali Khan. Tej Sapru ji, who's there as Sardar Vallabhbhai Patel. Mr. Bobby as well, please. Mr. Mahender Guntupalli, the co-director. Mr. Yata, the director. Mr. Gurur, the producer, and everyone. Mr. Sanjay Reddy, please. Mr. Anju Reddy, please. Mr. Anju Reddy. Can we have a big round of applause for these lovely, lovely artists who has done such a beautiful work. Ma'am, I would like to request you to please kindly give us some words of wisdom. Namaste, दोस्तों. जय श्री राम. जय श्री राम. दोस्तों, आज आप यहाँ इस तादाद में आए, बहुत-बहुत धन्यवाद. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फिल्म मेरी नहीं है. और इसमें मेरा कोई भी जैसा देखा है आपने कोई भाग नहीं रहा है लेकिन एज अ गुडविल जेस्चर एज समबडी हु लाइक टू इनकरेज आर्ट विच हैज़ सम इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी आई एम हियर इन दैट कैपेसिटी. मैंने बस 2 दिन पहले ट्रेलर देखा और मुझे इतना पसंद आया ये ट्रेलर, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी आती हूँ और जो मेरे मुझसे जो बन पड़ता है क्योंकि एक प्रोडक्ट को आपको मार्केट भी करना पड़ता है, तो मेरा जो सामर्थ्य है, मेरी जो जिस तरह से भी जितने लोगों तक पहुंच सकती हूं, तो मैं इसमें पूरा हिस्सा लूंगी. तो दोस्तों, हमने हमेशा अपनी पुस्तकों में यही पढ़ा है कि नेहरू थे और गांधी थे और कोई थे ही नहीं. और कुछ हुआ ही नहीं। तो कभी आपने क्या ये सोचा है कि आज जब हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो एक इमारत जैसे एक स्टैचू बन रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के, हमारे दिल में अक्सर ही आता है कि उन्होंने क्या किया है, आता है ना, उन्होंने क्या किया है, क्यों इनका ये बना रहे हैं, क्यों उनका बार बार नाम लेना। मैं आपको बता नहीं सकती कि जो जैसे इस आजकल भी हम आजकल हम सोचते हैं कि पब्लिसिटी या मीडिया या मार्केटिंग ये सिर्फ आजकल होता है, ऐसा नहीं है। पुराने ज़मानों में भी मार्केटिंग मीडिया होती थी, इनफैक्ट राजाओं के ज़माने में भी मार्केटिंग मीडिया, उनके भी नवरत्न होते थे, वो लोग भी अपने को पॉपुलराइज करते थे, चाहे वो अशोका को हम जानते हैं या चाहे वो जो भी हम लोग जानते हैं हिस्ट्री के बारे में, वो मार्केटिंग का ही एक प्रोडक्ट है। तो जो मार्केटिंग अपनी करते रहे वो करते रहे, जो पब्लिसिटी अपनी करते रहे वो करते रहे। वो लंदन में जाके वहाँ पे इंटरव्यूज़ देते थे, वहाँ के सारे विश्व भर के पेपर्स में उनके गुणगान किए जाते थे। वो अगर 100 लोगों को भी लेके निकलते थे तो पूरा विश्व उसके बारे में बोलता था कि ऐसी हंगर स्ट्राइक हुई है, ऐसी मार्च हुआ है, ऐसी यात्रा हुई है। लेकिन जो लोग वाकई में ही, वास्तव में ही, मैं तो श्री वल्लभ भाई पटेल को हमेशा कहते हैं कि वो शिव हैं। जिस तरह शिव ने सती के अंगों को पकड़ के, गोद में पकड़ के रखा, उसी तरह से हमारे टूटते हुए भारत को आज़ादी के बाद जिन्होंने पकड़ के रखा वो वल्लभ भाई पटेल हैं। भारत की आज़ादी के 2 साल बाद हैदराबाद को आज़ादी मिली, 396 डेज लेटर, जो है वो ऑलमोस्ट माय अपॉलॉजीज, ऑलमोस्ट 396 डेज लेटर आज़ादी मिली, क्योंकि वहाँ के जो निज़ाम थे वो भारत के साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जनता जाना चाहती थी। तो आज जब आप लोग सुनते हैं जो टुकड़े गैंग है फिर से एक्टिव होती है, ये क्लेम करती है कि हम जो है, हम तो कभी एक संयुक्त राष्ट्र थे ही नहीं, हम तो हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में बसने वाले राज्य थे। तो उनको आप ये इतिहास दिखाया करें कि उन सब राजाओं ने विलिंगली जो है वो भारत में भारत का हिस्सा बने हैं, और जो नहीं बनना चाहते थे, जैसे कि जो यहाँ के निज़ाम थे वो नहीं बनना चाहते थे, कश्मीर की आवाम नहीं बनना चाहती थी, वहाँ के राजा हरि सिंह बनना चाहते थे। यहाँ जो है इनके जो जनता है वो बनना चाहती थी, लेकिन निज़ाम नहीं बनना चाहते थे। तो वो किसने ये सॉल्व किया? कश्मीर का मुद्दा जवाहरलाल नेहरू जी ने सॉल्व किया, और यहाँ का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये एक ओड है इन हीरोज़ को और हमारी जनता को, जिन्होंने एक पूरा पब्लिक रिवोल्ट किया और भारत को बचाया है, भारत की इंटेग्रिटी को, भारत की जो एक आत्मा है। और भारत आज जो है, ये इतने खून की नदियां बहने पे हम लोग साथ में रहने के लिए भी लड़े हैं, साउथ और नॉर्थ साथ में रहने के लिए भी लड़ा है, खून बहा है, लोगों ने अपनी जिंदगियां दी हैं। तो हमें इस तरह की फिल्मों की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम इस इंटेग्रिटी को, इस ग्रांटेड ना लें, ऐसा ना सोचे कि बस मिला हुआ हमें ऐसे ही नहीं मिला हुआ है। इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप फैमिलीज़ को इनकरेज करें, इस फिल्म को इनकरेज करें, और अगर हमें इससे हमारी एकता की, हमारे भारतवर्ष की अखंडता की, अगर हमें अक्षुणता की और महत्व हमें मिलता है और हमें लगता है कि नहीं हमारे वैल्यूबल है, बहुमूल्य है, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? एक फिल्म के द्वारा अगर हम ये महसूस कर सकें तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? कॉन्ग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम। Just 1-2 quick questions to Kangana ma'am. Yeah. And Araf Chaudhary ji also, can we please have on the stage? Can we have a round of applause for such a sweet gesture by Kangana ma'am? Can we have a lovely great picture in the bouquet ceremony by Yata ji and Gurur ji to Kangana ma'am. Okay, so Kangana ma'am, just quick 2 questions. We all look up to you. So do you think so you have any plans to become the Prime Minister? Because the way you are walking and heading like a queen, I think we are all looking forward for it. Like the 2 girls? Yes. We are. So ma'am, what's your purview on that? मैंने एक्चुअली अभी एक एक फिल्म किया कॉल इमरजेंसी, वो देखने के बाद आप डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं. No, no, we all love the Queen. The second small sweet question to ma'am is, ma'am, what do you think about the movie for Gurur sir and Yata sir, the way they have done it? I think it's a tremendous film to pull off for a first-time director. And ये writer भी हैं इस film के, और कितने talented लोग हमें हर तरह के regional industries से लेके हर तरह से मिल रहे हैं, और they are now coming to mainstream cinema, और हम सबको उनकी फिल्में, उनका काम देखने को मिल रहा है. बहुत ही सौभाग्य की बात है. और बाकी I appreciate जो रेड्डी सर हैं, इनका effort I appreciate, क्योंकि उन्होंने एक अपने सामर्थ्य से, अपनी खुद की पर्सनल इनकम से इन्होंने ये बनाया है, देश के हित में ये काम किया है. Thank you, ma'am. And the last question is that what do you think, everyone and Kangana ma'am, that whether Razakar should be considered as tax-free movie or not by the government? I think तो सर खुद करवा लेंगे. इनकी फिल्म इन्होंने अच्छी बनाई है, और ये भी पार्टी से रिलेटेड है, तो अगर अच्छी लगेगी पार्टी को और लगेगा कि जैसा मुझे लग रहा है कि समाज के प्रति कोई योगदान रहे, समाज के प्रति अगर एक दायित्व को प्रदर्शित करती हुई फिल्म रहेगी, तो क्यों नहीं. टैक्स फ्री इसीलिए बना है कि ऐसी फिल्मों को बढ़ावा दिया जाए. Thank you, ma'am. Thank you so much for coming in. Can we have a humongous round of applause, please? Please, humongous. Southern siren, yes. In my look, of course, I work so much in South India that I am just so inspired by the weave. You must be pointing to the weave. This is Banarasi, I think, but in my mind, I am definitely a South Indian. Yes. Today also, I am. In fact, my flight was at 10 a.m. Then I changed it to 4. I am going to Chennai for my film shoot only. So I take your guys' leave, and I'll see you soon. Our most lovable person, heartthrob of the youth and also the old, Kangana Ranaut ji, we are very grateful to you, because I considered you as the most dynamic personality ever our cinema industry had. Because one should have guts to say few words. And she has guts, and also she has the duty to continue. And I really feel very grateful for you to be here as our chief guest to launch the trailer on this occasion. I really pray to God that you must achieve more accolades and more awards. You're already a 4 times national awardee. I really appreciate, and may God bless you with the best of the things possible in your life, and with the best of the health possible in your life. God's. Kangana ma'am, one more thing. I love the way you dress yourself. From gangster days till today, you are my father's crush, you are my brother's crush, you are everyone's crush. From all the age groups. Thank you so much. Let's have a big round of applause for Kangana Ranaut. Sir, what is the name of what is the meaning of your name? सबको नमस्कार है. मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं. मेरा नाम भीम सिसरोलियो, ये लाइक इटालियन नेम, तो आप गूगल पे सर्च करोगे तो मेरा एक नाम है और दूसरा नाम तो नहीं मिलेगा आपको. मेरा एक ही नाम है, तो होल वर्ल्ड में, दुनिया में मेरा एक नाम है. थैंक यू सो मच. सर, सिसिली मतलब क्या? आप यू लाइक सिसिली पास्ता? See, I now, sir, since I have announced your name properly after the 10th time which I was practicing inside, you have to cast me in a music video. Are you? I know Cicerolio Pasta, and I know Galileo, and I know Cicero. So, sab naam ko mila ke ek naam banaya. Wo naam hai Cicerolio. No, no, sir. Now the name is Apurva Mittal, sir. You have to remember, please. अपूर्वा मित्तल. सर, आपने भी देखो नाम नहीं प्रोनाउंस किया. सर, नाउ यू हैव टू कास्ट मी. थोड़ा हिंदी में पूछो। सर अपूर्वा मित्तल, एक बार नाम लीजिए। अपूर्वा मित्तल, सुनील मित्तल। Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for being such a sport. Can we have Tej Sapru ji, who has done more than 300 films and shows on TV colors and movies, who's acted as Sardar Vallabhbhai Patel, has an amazing 44 years of active career. Tej Sapru ji, can we have a big round of applause? Tej sir, I'm really delighted that I'm meeting you and really a big fan of your work and your journey and the way you put the craft on the celluloid. So please give us few words of wisdom in front of the whole lovely audience. भाई राशन पे भाषण बहुत हैं मगर भाषण पे राशन नहीं, इसलिए जब भी बोलता हूँ थोड़ा कम ही बोलता हूँ. I am thankful to रेड्डी साहब and my director सत्यनारायण जी कि उन्होंने मुझे सरदार पटेल का रोल दिया. हालांकि 2-3 बार हैदराबाद बुला के लुक टेस्ट लिए गए थे, बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस रोल. एंड पटेल साहब जो हैं वो मेरे फेवरेट रहे हैं इंडिपेंडेंस से. कईयों के होंगे, गांधी जी भी हैं, नेहरू जी भी हैं, बहुत थे, सुभाष चंद्र बोस साहब भी थे, लेकिन मेरे जो फेवरेट इंसान रहे हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल. एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू कि मैं आज वही रोल स्क्रीन पर प्ले कर रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. सर 1 minute, यू कांट गो लाइक दैट. अब कंगना मैम चलेगी तो आई जस्ट प्लेड अ लिटिल विद द म्यूजिक डायरेक्टर एंड ही इज कास्टिंग मी. सो यू टेल द सीक्रेट ऑफ योर लवली फैशन डिजाइनिंग क्लोथिंग व्हिच इज लाइक अ जेन जी, राइट? करेक्ट और नॉट सर? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट? द सीक्रेट इज माय वाइफ, शी सिलेक्टेड इट. Thank you sir, the loyal husband who are not there in this today's era, right? Thank you.